क्वेश्चन नंबर ंगल पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू मीन एक ट्राइंगल पी क्यू आर है विच इज राइट एंगल डेट क्यू एंड पी आर प्लस क्यू आर है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज फाइव सेंटीमीटर एंड वी हैव टू द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी सो लेट्स सॉल्व इट फर्स्टली वट इज गिवन टू अस गिवन इज पी क्यू इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर दिस इज गिवन टू अस और क्या गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है ये हमें गिवन है तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एंड अ ट्राइंगल इज राइट एंगल एट क्यू राइट एंगल बना रहा है वो क्यू पर ओके okay, तो इट इज पी एंड इट इज आर एंड पी क्यू इज गिवन विच इज फाइव सेंटीमीटर और इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इस गिवन से तो पी आर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव क्यू आर इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस क्यू आर हो जाएगा हमें क्या है पी आर की वैल्यू भी मिल गई है अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है पी आर की वैल्यू भी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्र इजिकल टू पी प्लस बी तो एच क्या है पी आर स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू आर स्क्योटेनियस का स्क्र बाकी दोनों साइड्स के सम स्क्योअर के सम के इक्वल होता है तो पी आर कितना है हमारा ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर अभी हमने फाइंड आउट किया इसका होल स्क्र हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू कितना है फाइव स्क्र हो जाएगा ये और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्र अब यहाँ पे क्या हमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं याद आ रहा है आपको हम लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क् ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क् माइनस टू ए बी तो यहाँ पे हम यही आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ए स्क्योअर ट्वेंटी फाइव स्क्योर इज सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस बी स्क्र मीन्स क्यू आर स्क्र माइनस टू ए एंड बी ओके इज ट्वेंटी फाइव बेइज क्यू आर इधर फाइव स्क्यूअर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ये क्यू आर स्क्यूअर हो जाएगा ओके अब यहां सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस क्यू आर स्क्यूअर माइनस क्या होगा ट्वेंटी फाइव टू जाऊ आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस क्यू आर ये क्यू आर इधर है ये क्यू आर दोनों अलग अलग साइड पे है अगर हम इस क्यू आर को इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो हम इसको ऐसे सिंपल भी काट सकते हैं अब सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टी क्यू आर इधर हो गया और इधर हो गया ट्वेंटी फाइव ठीक है अब सिक्स ट्वेंटी फाइव इस ट्वेंटी फाइव को हम इधर लेकर आएंगे ये इधर पॉजिटिव है इस साइड पे राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड आकर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है फिफ्टी क्यू आ, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है फिफ्टी क्यू आर इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव ओके सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटीड और इधर क्या है फिफ्टी क्यू आर फिफ्टी क्या है क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई है राइट साइड पर तो लेफ्ट साइड आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर जीरो से जीरो कटेगी इसको काटेंगे तो ट्वेल्व तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई ट्वेल्व क्यू आर हमारा आ गया ट्वेल्व ठीक है अब इसके बेस पे क्यू आर ट्वेल्व आ गया तो अभी हमें और क्या गिवन है पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर हमारे पास क्यू आर आ गया तो हम पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं तो पी आर क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व पी आर इज इक्वल टू थर्टीन अब यहाँ पे पी आर कितना आ गया है थर्टीन आ गया है और क्यू आर कितना आ गया ट्वेल्व अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू है अब इसके अकॉर्डिंग हम साइन पी कोज पी और टैन पी निकाल सकते हैं तो साइन पी कोज पी एंड टैन पी ओके okay? पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले ये ये रेशियो हम यूज करेंगे फर्स्ट वन इज साइन ये साइन की रेशियो है ये कोज की रेशियो है और ये टेन की रेशियो है तो साइन पी साइन किसकी इक्वल है फर्स्टली पी अपॉन एच कोज किसकी इक्वल है बी अपॉन एच टेन किसके इक्वल है बी पी अपन बी अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे साइन पी हमें एंगल कौन सा गिवन है यहाँ पे पी पी गिवन है तो पी का ओपोजिट ये क्या हो जाएगा प्रिपेंडिकुलर हो जाएगा विच इज क्यू आर और पी का एडजस्टेंट ये क्या नीचे वाला पी क्यू क्या हो जाएगा बेस और बड़ी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या गई ट्वेल्व हाइपोटेनियस इज थर्टीन यहां कोज पी के लिए बी अपॉन एच बी इज फाइव एंड हाइपोटेनियस इज थर्टीन एंड टेन पी पी इज ट्वेल्व एंड बेस बेस इज फाइव तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं होप यू हैव लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग